खबर रीवा जिले से है, जहां जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डभौरा नगर पंचायत का नाम बदलने का विरोध किया जा रहा है। 1957 के शहीद पंडित रणजीत राय दीक्षित की जन्मस्थली डभौरा का नाम परिवर्तन करने की अधिसूचना जारी की गई है। सूचना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बताया कि 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में विंध्य क्षेत्र रीवा के तराई अंचल डभौरा के वीर सपूत पंडित रणजीत राय दीक्षित ने मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए अपना सर्वज्ञ अर्पण कर दिया। विगत दिनों देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, किंतु स्थानीय प्रशासन द्वारा देश के लिए बलिदान देने वाले डभौरा के वीर सपूत शहीद पंडित रणजीत राय दीक्षित की जन्मस्थली का नाम बदलकर गुलाबगंज कर डभौरा के इतिहास को मिटाने का प्रयास हो रहा है। इस अनैतिक निर्णय से क्षेत्र की जनता में रोष है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया कि विषय में तत्काल संज्ञान लें। कलेक्टर कार्यालय में जारी नाम परिवर्तन की अधिसूचना निरस्त कर पुराना नाम बहाल करने का आदेश जारी करें। हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। ये डभौरा की आम जनता है जिससे बिना पूछे, बिना कुछ निर्णय मांगे अचानक से डभौरा का नाम कोई गुलाबगंज कर दिया जाता है। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, ये गुलाब कौन है, इनका योगदान क्या है, 1857 की क्रांति में योगदान क्या है, क्या इन्होंने कोई चुनाव लड़के देश के लिए कोई बलिदान दिया है, अंग्रेजों के खिलाफ कोई जंग लड़ी है, अगर लड़ी है तो बताएं, नहीं तो ये गुलाब नाम क्या है ये हम नहीं जानते। गुलाब है कौन, हम खुद नहीं जानते कि हमारे वीर भूमि डभौरा, जिसका वर्णन लंदन म्यूजियम से, अंग्रेजों के बंगाल गैजेटियर से लेके कुंवर बहादुर सिंह आरा से लेके रानी लक्ष्मीबाई के म्यूजियमों में वर्णित है, उस डभौरा का नाम आप चेंज करके बिना किसी की राय लिए क्यों उसे बदलना चाहते हैं, क्या नाम थोपना चाहते हैं आप। तो ये हम सब जनता यहाँ आज विरोध करने इसलिए खड़ी हुई है कि हमारे पूर्वजों की अस्मिता से छेड़छाड़ ना करें, हमारे पूर्वजों को बिल्कुल उसी तरीके से छोड़ दिया जाए, नहीं तो जनता विद्रोही तेवर अपनाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जिन्होंने हमारे पूर्वजों का अपमान किया है। ये डभौरा का नाम गंज करना ये हमारा अपमान है। पहले मतलब टाइम का है डभौरा 1804 से अमालदारी बना, रणजीत राय दीक्षित के पूर्वजों के नाम से उसे डभौरा नाम दिया गया। डभौरा बड़ा ही पवित्र नाम है। डभौरा डूब घास के ऊपर बना हुआ, डमरू के ऊपर बना हुआ, भगवान शिव को समर्पित है। ये शिव की भूमि है। आप उसका नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे गंज रख के क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है ये? पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? हमेशा से डभौरा का नाम डभौरा ही रहा है। आज पिछले 250-300 वर्षों से डभौरा का नाम डभौरा ही रहा है। अभी पिछले 5 साल से इसके माननीय विधायक जी के कुछ लोगों ने ये बताना शुरू किया कि इसका नाम गुलाब कर दिया जाए। हवा हवाई क्या है गुलाब, कौन है गुलाब? गुलाब का नाम ही नहीं है। हमने कभी इतिहास में गुलाब का नाम नहीं सुना। और किसी व्यक्ति विशेष के नाम पवित्र चीजों को, क्या भगवान शिव का नाम हम किसी नाम किसी और की भूमि पे नाम रख सकते हैं? कल को आप केवल इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं। शेरशाह सूरी के रीवा का नाम आप जीवन भर कभी बदल नहीं पाए, तो आप चारों तरफ अपने अपने पूर्वजों के नाम, अपने लोगों के घरानों के नाम रखना चाहते हैं। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन बिल्कुल स्पष्ट है, जनता अपनी लड़ाई लड़ेगी। अगर सरकार हमारा सहयोग करेगी तो ठीक है, नहीं तो सरकार के खिलाफ, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ हम काम करेंगे। फिर क्या नाम है आपका? हमारा नाम नमन कुमार अवस्थी है। डभौरा हमारे रीवा जिले का सबसे पुराना तो रेलवे स्टेशन है, और साथ ही डभौरा जो है शहीदों की भूमि रही है, और आज जो ये कृत्य किया जा रहा है डभौरा के साथ में और डभौरा के नगरवासियों के साथ में, वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। क्योंकि किसी भी शहर का नाम परिवर्तित करने के लिए, या नगर परिषद अब हमारी डभौरा हो चुकी है, उसका नाम परिवर्तित करने के लिए आप कम से कम वहाँ के जो लोग हैं आप उनकी राय लो, उनसे पूछो। ऐसे चोरी छुपे इस तरह के काम करना निंदनीय है, और हम सब इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम सब यहाँ पे मांग करने आए हैं कलेक्टर महोदय के पास में कि उसको डभौरा को यथावत किया जाए, गुलाबगंज हम लोग को स्वीकार नहीं है। किसके द्वारा किया गया? यह क्षेत्रीय विधायक के बिना यह कार्य संभव ही नहीं है। कौन से विधायक, क्या नाम है? देवराज सिंह। देवराज सिंह, ज्ञापन दिया, आश्वासन मिला?
अभी ज्ञापन हमने दिया नहीं है, अब ज्ञापन दे दिए, दे दिए हैं। क्या बोले हैं आप बताइए। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और विधिवत रूप से इसमें प्रश्न है। पूर्णिमा तिवारी। इन दिनों पूरा जिला भीषण गर्मी की चपेट में है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बड़ी किल्लत बनी है। अधिकांश हैंडपंप और अन्य जल स्रोत सूखने की कगार पर है, साथ ही टूटे तार और खंभों के चलते विद्युत सप्लाई भी अवरुद्ध है, जिसके चलते इस भीषण गर्मी में आम आदमी बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है। इन सब बातों को लेकर जिला अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक कांग्रेसियों का दल कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल से मिलकर जनहित के मुद्दों को ज्ञापन के रूप में अवगत कराया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिले में पूर्व में स्थापित पेयजल योजनाएं अधिकांश बंद पड़ी हैं। जिले में कई हैंडपंप के पाइप बढ़ाने और सूखे हुए हैंडपंप पर नवीन नलकूप खनन कराए जाने चाहिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रीवा जिले में पेयजल योजनाओं के कार्य जिले में जल्द से जल्द पूरे हों, निर्माणाधीन विभिन्न विभागों के काम और सड़कों के निर्माण का वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण कराया जाए। देखिए, हमारे इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, पूरे जिले में पेयजल संकट है, पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो पहले हुआ करती थी और जो वर्तमान में जल जीवन मिशन की स्कीम्स हैं, ये कोई भी मिशन, कोई भी स्कीम्स जो है वो जमीनी हकीकत उसकी शून्य है, कोई काम नहीं हो रहा। हमने मैडम का ध्यान इसमें कलेक्टर मैडम का आकर्षित किया है, हमने कहा है वो इसकी समीक्षा करें, और हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोग एक पंचायत वार इसका आकलन कर रहे हैं पूरे जिले का, और उसको लेके हम फिर मैडम के पास 10 दिन बाद आएंगे, और ये भी अपनी समीक्षा करके रखें, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। इसके अलावा बिजली की जो समस्या चल रही है, अघोषित कटौती हो रही है, तूफान और जब आंधी आती है तो जो हमारे खंभे गिर जाते हैं, जो केबलें टूट जाती हैं, उनका सुधार कार्य नहीं हो रहा, जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे, इस पर भी हम लोगों ने मैडम से चर्चा की। इसके अलावा कुछ और विषय थे जो जनता से जुड़े हुए थे, उन पर भी हमने उनका ध्यान आकर्षित कराया है, और अवैध उत्खनन का मामला है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून व्यवस्था की बात है, लगभग आप तो मीडिया से जुड़े हो, अक्सर रोज ही एक मर्डर हो जाता है, कहीं अपहरण हो रहे हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। हमारा उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिले के विकास के लिए और जनता की समस्याओं के लिए प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहती है, पर प्रशासन की ओर से अगर हमको वांछित सहयोग नहीं मिलता, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि नीचे के अधिकारी भी हमको सहयोग दें, जो आज की तारीख में सहयोग नहीं दे रहे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता की लड़ाई को हम लोग बृहद रूप से लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क तक ले जाएंगे और भारी धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम किए जाएंगे। ओलावृष्टि, क्षतिवृष्टि और आगजनी, इससे जो क्षति हुई है किसानों की फसलों का, उसका एक तो सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा, और मूल्यांकन जहाँ कहीं हुआ भी है थोड़ा बहुत, तो आज तक वो राशि दी नहीं गई, तो इसके भुगतान को तत्काल सुनिश्चित करें, सही आकलन कराएं और भुगतान करें, ये भी हमारे इस मांग पत्र में था। ग्रामीण अंचलों में काफी ज्यादा पानी गिर रहा है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र में दिया गया, अभी दिया गया, आज उसी विषय पे दिया गया, जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार की ओर इनका ध्यान आकर्षित किया, कराया गया है, कुछ गांवों के नाम बताए गए हैं, और साथ में हमने ये कहा है आप अपनी समीक्षा करिए, आप स्वयं देखिए अपने पीएचई कार्यालय से कहाँ कैसी स्थिति है, हम भी एक समीक्षा करेंगे और हम उस समीक्षा को लेकर और बहुत जल्दी मिलेंगे प्रशासन से। कुछ लोगों ने आज ज्ञापन दिया है इस संबंध में, क्योंकि जो नामकरण की प्रक्रिया है वो पूरी विधि अनुसार हुई है और जो उसके SOPs होते हैं उनका पालन किया गया है, एक बार हम लोग इस जो ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है इसका परीक्षण करा लेंगे। क्योंकि जिस समय पर ये प्रक्रिया की गई होगी उस समय SOP का हिस्सा है कि हम लोग दावे आपत्ति भी लेते हैं, संभवतः उसका पालन किया गया होगा, एक बार हम लोग चेक कराते हैं कि क्या विषय की बात। 15 में जो लोग हैं